हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई मृणाल सर में। बच्चों, इस कोरोना काल में हम समझते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बट आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपको लगता है कि मैथ्स के किसी भी टॉपिक में आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल आप हमको मैसेज करें या फिर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि सर मुझे मैथ्स में इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, सर आप मुझे बता दो। तो बच्चों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस टॉपिक के बारे में आप कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे, मैं उस टॉपिक का पूरे अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों ने मुझे बोला था कि सर मुझे ना इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन में दिक्कत आती है, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे एक वीडियोस बना देते हैं आपको। और आपको भी लगता है किसी भी टॉपिक में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अगर लगता है कि मैथ्स के 12th या 11th के किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है, तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, आप मेरे लिए ये वीडियो बना दो, तो मैं आपको बिल्कुल बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो बच्चों, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। पीछे क्या है, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो तीन मेथड है हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, पहला मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और तीसरा हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि जिस फंक्शन को हम लोग टी मानते हैं, उसका अगर डिफरेंशिएशन हमको बगल में मौजूद है, तो हम उसको डिफरेंशिएट इजली, सॉरी इंटीग्रेट इजली कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था बाईपार्ट्स के बारे में। तो बाईपार्ट्स क्या होता है, तो बाईपार्ट्स में जनरली हम लोग आइलेट रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। आइलेट रूल क्या है ये आप सभी लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो इस पर भी, अगर आप चाहते हो कि सर आप इस पर भी एक वीडियो बना दो, तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना दूंगा अगर बाईपार्ट्स में आपको दिक्कत होती है तो, ठीक है। लेकिन तीसरा जो हमारा मेथड है वो है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से जानते हैं, विस्तार से जानते हैं, तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं रेशनल फंक्शन। क्या देखते हैं भाई, रेशनल फंक्शन के बारे में देखते हैं। देखो यार, रेशनल फंक्शन क्या होता है हमारा, तो रेशनल फंक्शन होता है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। क्या पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्मेट में होता है। अब ये जो हमारा क्यू एक्स है ना, क्यू एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, ठीक है। पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, पी एक्स क्या है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यू एक्स क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो जैसे टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये भी तुम्हारा क्या है, एक रेशनल फंक्शन है। दूसरी बात, अगर लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, तो ये भी आपका क्या है, एक रेशनल फंक्शन है, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल और ये भी एक पॉलिनोमियल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेशनल फंक्शन हो जाएंगे, ये रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जनरली प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जब डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लिखा हुआ है कोई रेशनल फंक्शन, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स कोई रेशनल फंक्शन है, और डिग्री ऑफ पी एक्स जो होगा वो लेस होगा किसके, डिग्री ऑफ क्यू एक्स के, ठीक है। किसके लेस होगा भाई, डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यानी कि जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला का जो डिग्री होगा नीचे वाले से कम होगा। अब सर ये डिग्री क्या होता है भाई, डिग्री क्या होता है सर, तो देखो बच्चों डिग्री क्या होता है, तो डिग्री हमारा पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाइएस्ट पावर होता है वही आपका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, ठीक है ना। तो डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, जैसे इसका अगर हम डिग्री की बात करेंगे, तो इसका डिग्री कितना है,
3। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूंगा तो इसका डिग्री कितना है 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स से। सर कोई एग्जाम्पल्स बताइए आप। तो देखो बाबू एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है और नीचे है एक्स क्यू प्लस वन। नीचे वाले की डिग्री कितना है भाई, तो 3 है। ऊपर वाले की डिग्री कितना है, 2 है। तो बताओ ऊपर वाले का डिग्री ज़्यादा हो गया, कम हो गया किससे, नीचे वाले से। यानी कि पी एक्स की जो डिग्री है वो कम है क्यू एक्स से, तो हमारा ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। दूसरी बात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स अगर रेशनल फंक्शन लिखा हुआ है आपका, और अगर डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यानी कि जो न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी ना वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए किससे, डिग्री ऑफ क्यू एक्स से। ठीक है क्या, तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल जैसे कि हमारा है एक्स क्यू अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो ऊपर वाले की डिग्री कितना है भाई, अरे कितना है, 3 है। नीचे वाले की डिग्री कितना है, 2 है। तो हुआ ना ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ अगर डिग्री सेम हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, मैंने ग्रेटर इक्वल टू का साइन लगाया, अगर पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम आ जाती है तब भी वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इन दोनों की डिग्री कितना है भाई, सेम है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि सर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इस तरह के रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। तो उससे भी पहले मैं एक बात बताता हूँ कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो सबसे पहले रेशनल जो फंक्शन है हमारा, किसी भी रेशनल फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करने बैठते हो तो यार सबसे पहले क्या करना है कि उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। लेकिन सर आपने बोला कि प्रॉपर फ्रैक्शन में का ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं रेशनल फ्रैक्शन में, तो फिर इम्प्रॉपर का क्या करेंगे। अरे मेरे भाई इम्प्रॉपर को बहुत इजीली तरीके से आप चेंज कर सकते हो प्रॉपर में। कैसे, तो कैसे करेंगे सर, तो देखो जैसे कि तुम्हारा, मान लेते हैं हम कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर आपको इसको चेंज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा काम है। क्या कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड लगा दो। क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड लगा दिए, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड लगा दिए, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस वन से। जब आप डिवाइड लगाओगे तो कितना टाइम्स लगाओगे, वन टाइम्स लगाओगे, यानी कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा और ये कितना बचेगा, टू। तब आप एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन को आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो लिख सकते हो वन प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। यानी कि मैं सिंपल अगर बोलूं कि अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली डिवाइड कर दें। क्या कर दें भाई, डिवाइड कर दें। तो जो आपका पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लिखा हुआ है वो सिंपली क्या हो जाएगा, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स जो लिखा हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा पी वन एक्स अपॉन पी टू एक्स अपॉन क्यू एक्स। ठीक है, अगर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्मेट में। तो जो ये हमारा था, क्या ये हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन ये जब तुम निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी हम रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहला जो ध्यान देना है वो क्या देना है मेरे भाई, तो सबसे पहला ध्यान देना है
कि आपका जो रेशनल फंक्शन हो वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, और दूसरी बात कि हमेशा जो ये आपका QX है वो या तो लीनियर फैक्टर में होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में होना चाहिए। ठीक है, या तो इसके लीनियर फैक्टर होने चाहिए या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर होने चाहिए। तो अब देखिए, मैंने बोला कि रेशनल फंक्शन को जब भी आपको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि जो पहले तो वो फंक्शन जो रेशनल फंक्शन होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो मैंने आपको अभी बताया। दूसरी चीज है, जो आपका QX होगा वो मस्ट बी फैक्टराइजेबल लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो नोट में ये बात को हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं, नोट में इस बात को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या होगा कि अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि फंक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जो रेशनल फंक्शन होगा वो हमेशा आपको किसके फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होना। सेकेंड बात बोल रहा हूं मैं कि QX मस्ट बी फैक्टराइजेबल इन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट। तो सर आपने क्या बोला, आपने बोला कि अगर हमको किसी भी रेशनल फंक्शन का अगर हमको इंटीग्रेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो पहली बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। दूसरा बात, जो QX है जो नीचे जैसे PX अपॉन QX मैंने लिखा था वो हमेशा या तो लीनियर फैक्टर में होना चाहिए या फिर आपका क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फैक्टर में होना चाहिए। ठीक है क्या। उसके बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की। किसकी बात करेंगे भाई, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अब देखो किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटीग्रेशन में, तो उसकी बातों पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टाइप वन की। किसकी बात करते हैं, टाइप वन की बात करते हैं। टाइप वन में हमारा है लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर। ठीक है, यानी कि आपका जो है अगर इंटीग्रेशन करना हो px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी dx, यानी कि जो नीचे जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, देखो ये दोनों लीनियर फैक्टर है कि नहीं है लीनियर फैक्टर, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। मैंने बोला लीनियर फैक्टर होगा बट रिपीट नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो बड़ा सिंपल काम है। क्या करना है कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या कर लेना है, देखो ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, अब इन दोनों लीनियर के ऊपर एक कांस्टेंट टर्म मानना है, तो एक्स अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है ना, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अरे सही है क्या, एक्स इस लीनियर फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट, हाँ अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसके ऊपर क्या मानना है, लीनियर फैक्टर मानना है। ये हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल से समझते हैं इसके एग्जांपल्स क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो अगर आपको दे दिया जाए एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू डीएक्स, ठीक है आपका क्वेश्चन है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। सबसे पहले चेक क्या करना है वो पहले समझो, सबसे पहले ये देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि नहीं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक है और ये ऊपर में क्या है लीनियर, यानी कि इसकी डिग्री कितना है वन, इसकी डिग्री कितना है टू, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, दूसरी बात जो मैंने बोला था कि आपका जो होगा QX मस्ट बी फैक्टराइजेबल इन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, तो जो QX है हमारा वो लीनियर में है ना फैक्टर, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो
आप इसको क्या लिखो, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। बच्चों ध्यान से एक एक स्टेप मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा, हम क्या बोले थे, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, यानी कि ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। अरे सही है क्या, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, सही है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, कि आपको क्या कर लेना है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू एलसीएम ले लेना है इन दोनों का। जब आप एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू। अब इसको एलसीएम से ऐड कर लो, यानी कि जब आप एलसीएम ले लोगे उसके बाद क्या, ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। अब देखो क्या करना है, कि ये दोनों तो इक्वल है, तो आप सिंपल लिख सकते हो x बराबर a इंटू एक्स माइनस टू इन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। यार x x को काट नहीं देना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, कंपेयर करके, क्योंकि हमको a और b का वैल्यू चाहिए, a और b का जब वैल्यू आ जाएगा तो हम इजिली इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। कैसे आएगा देखो, अब इस a और b निकालने का मैं दो तरीका बताता हूँ, कितना, दो। अब इस दो तरीके से ना आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। एक तरीका क्या है, कि इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दीजिए और ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए। और दूसरा तरीका जो सबसे खास है, जो कि मेरे पास है, ठीक है। दूसरा, पहला, मैं पहले मेथड से मैं ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए बताता हूं, ठीक है। ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए समझना यार, ध्यान दो, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स माइनस बी। अरे सही है क्या, एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स माइनस बी, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बराबर, यहां से एक्स बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस टू ए माइनस बी। अरे सही है, एक्स बराबर ये। अब देखो, अब कंपेयर करते हैं एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस कंपेयर करते हैं। एक्स का कॉफिशियंट इधर कितना है, इधर वन है इसका कॉफिशियंट, और इधर एक्स का कॉफिशियंट कितना है, ए प्लस बी। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू वन। दूसरी बात, यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस टू ए माइनस बी, लेकिन यहाँ कोई कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो फिर क्या होगा, जीरो। तो माइनस टू ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, जीरो, ठीक है। अब क्या करो, कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, किसी एक में वैल्यू रख दो, ठीक है। तो पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन इन दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करोगे ए प्लस बी इक्वल टू वन और टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, अब इन दोनों को ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये माइनस तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस ए इक्वल टू वन, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वन। इसी तरीके से अगर हम बी निकालेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर वन माइनस ए पहला इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा वन माइनस माइनस वन यानी कि टू, तो बी बराबर टू आ गया, ठीक है। तो एक मेथड ए और बी निकालने का क्या है, कंपेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई, कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करने के बाद ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, बड़ा सिंपल वे में। लेकिन दूसरा जो तरीका मैं बता रहा हूं वो इससे भी आसान है, देखिएगा, ठीक है। मेथड टू की, ठीक है, मेथड टू को आप इस पॉइंट से लेके चलिए, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, यानी कि एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत आसान से आपका ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है क्या। तो क्या करना है यार, कि यहाँ पे आपका दो फैक्टर है, एक तो क्या है एक्स एक्स माइनस वन और कितना एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। इसके जीरोज को जीरोज का मतलब, अगर मैं एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरोज बात करता हूं तो एक्स इक्वल टू वन, मतलब एक बार एक्स इक्वल टू वन पुट कर दो और एक बार एक्स इक्वल टू टू पुट कर दो। अगर दोनों बार अलग अलग वैल्यू पुट कर दोगे आपका ए और बी का आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या करना है कि सबसे पहले पुट करना है, पुट एक्स इक्वल टू वन। जब आप एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो यार बी तो ऐसे ही निपट गया, अरे निपट गया कि नहीं। तो जब आप एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो बी तो निपट गया, तो सिर्फ ए का वैल्यू तो रख दीजिए इसमें। तो ये वन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टू प्लस बी वन माइनस वन, अरे ये तो जीरो,
क्या हो जाएगा, ये जीरो, तो सिर्फ बच गया वो a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू माइनस वन, तो a का वैल्यू कितना, माइनस वन। अब आप क्या करें, दूसरा फैक्टर x माइनस टू, मतलब कि पुट कर दें x बराबर कितना, टू। देखिए दो फैक्टर था, मैंने बोला था दोनों का जीरोज का वैल्यू पुट कर देना है, बड़ा सिंपल काम। तो x इक्वल टू टू पुट करिएगा तो क्या होगा, जब आप पुट कीजिए इसमें तो टू इक्वल टू ए इंटू टू माइनस टू प्लस बी इंटू टू माइनस वन, सही है क्या? तो यहाँ से तो ये तो जीरो कर देगा, बचेगा क्या, तो ये बी इंटू वन, तो बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना, टू। तो आप देखिए ए का वैल्यू मिल गया और बी का वैल्यू मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो जब आपको अब इंटीग्रेट करना है तो सिंपल, अब ए ए और बी यहाँ पे रख दीजिए, कहाँ रख दीजिए, यहाँ पे ए और बी रख दीजिए, और उसके बाद ये इसके बराबर ये फैक्टर आ गया, और यही पार्शियल फ्रैक्शन होता है, और जब ये वैल्यू आ गया तो इसको यहाँ पे रख दीजिए और इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं आप। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो आप क्या करिए, वहाँ पर रख दीजिए ए और बी की जगह पर, तो अब इसके जगह पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए का वैल्यू कितना, माइनस वन, यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी का वैल्यू कितना, टू, तो टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब आप इसको इजिली कर सकते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि अब समेशन के फॉर्म में है, बहुत इजिली कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स। अरे सही है क्या? तो यहाँ पे क्या करना है कि माइनस वन बाहर निकाल लीजिए, वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस, यहाँ से टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए, वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, राइट। उसके बाद क्या करना है, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो माइनस एल एन एक्स माइनस वन प्लस टू एल एन ही लॉग ही लिख सकते हैं इसको, तो माइनस वन लॉग कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस टू लॉग एक्स माइनस टू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस लॉग एक्स माइनस वन, ठीक है, और प्लस ये टू पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉगरिथम का, मैं प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये देखिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो वो डिविजन में चला जाता है, अगर बेस दोनों का सेम हो तो, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग लॉग प्लस सी लगाना मत बोलिएगा भाई, तो ये लॉग हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस सी, तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो बड़ा सिंपल काम, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि पार्शियल में क्या करना है, सिंपली आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने दो तरीका बताया, एक तो आप इसके लीनियर के बराबर आप मान लीजिए ए अपॉन ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। दो तरीका ए और बी निकालने का, पहला तरीका क्या है, तो आप कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका इस फैक्टर के जीरोज को, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से, फैक्टर के जीरोज, और फैक्टर का जीरोज क्या होता है, तो जैसे x माइनस वन आपका फैक्टर है और इसका जीरोज किस पे होगा, जीरो किस पे होगा, तो x इक्वल टू वन पे ये फैक्टर जीरो होगा, और इस वैल्यू को इसमें रख देना है, रखने के बाद a और b का वैल्यू निकाल लेना। सर यहाँ पे दो फैक्टर था तो हो गया, तीन रहता चार रहता तो, अरे जितना भी रहता चार फैक्टर भी रहता ना, तो चार बार उसको जीरोज करके चार बार वैल्यू पुट करते, ए बी सी और डी का खटखट वैल्यू आ जाता, ठीक है। तो चलिए हमारा टाइप वन कंप्लीट होता है, अब बात करते हैं टाइप टू की, किसकी बात करते हैं, टाइप टू की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं टाइप टू की। अब टाइप टू में कैसा क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी डी एक्स। अब कोई बोले बेटा इसको इंटीग्रेट करो, क्या बोलेगा, बेटा इसको इंटीग्रेट करो। अब तुमको लगेगा सर इसको इंटीग्रेट करना कितना मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। कैसे सर, तो देखो क्या करना है भाई कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। सबसे पहला मैंने जो बोला था रेशनल फंक्शन में चेक करने के लिए, क्या चेक करना है, तो सबसे पहला कि पार्शियल फ्रैक्शन में होना चाहिए, दूसरा क्यू एक्स आपका जो है यानी कि डिनोमिनेटर में जो होगा वो लीनियर फैक्टर में होगा या फिर क्वाड्रेटिक में होगा।
तो देखिए ये सारा लीनियर फैक्टर में, तो आप क्या करेंगे, ये लीनियर है तो इसके ऊपर मानेंगे एक्स अपॉन ए एक्स माइनस ए कॉन्स्टेंट प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी आप कर लिए। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि लिखा हुआ है 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम बाई पार्ट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बनता है पार्शियल यूज़ करेंगे। पार्शियल में भी मैंने क्या बोला, ये सारा लीनियर है तो आप क्या कर दीजिए, उस फॉर्म में लिख लीजिए। इसको आप किस फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, उस फॉर्मेट में, यानी कि 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री को आप क्या लिखेंगे, इसको इस फॉर्मेट में, तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, यानी कि आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लिए। हमारा मुद्दा क्या है, ए बी सी का वैल्यू निकालने का। दो तरीका मैंने बताया था, एक तो कंपेयर और एक इसके जीरोज यानी कि इसके वैल्यू को पुट करके आप ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला जो कि मैंने बताया था काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते हो, इस तरह के एडिशन तो जानते हो ना यार। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। अब इन दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, हटा देंगे। तो सिंपल सा क्या लिख लेंगे, टू एक्स प्लस वन इक्वल टू लिख लेंगे ये वाला ऊपर वाला a इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अरे सही है क्या, तो ये काम कर लेंगे। सर अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो बेटा इसके बाद बड़ा सिंपल काम है, क्या करना है, तो आप ना इसमें मैंने बोला था कि पुट करना है, क्या पुट करना है, जो भी आपका फैक्टर है, तो एक तो इस एक्स माइनस वन फैक्टर है, एक्स माइनस टू फैक्टर है और एक्स माइनस थ्री फैक्टर है। तो एक्स माइनस वन के फैक्टर को कैसे, एक तो आप पहले क्या करें, एक्स इक्वल टू वन पुट कर लें, वन पुट करो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा टू इंटू वन प्लस वन। अब देखो जब वन पुट करोगे और जिसमें वन होगा एक्स माइनस वन वाला जो फैक्टर होगा वो तो जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, तो ये कर लेते हैं। चलो मैं पूरा लिख के दिखा लेता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी, फिर मैं आगे स्टेप काट लूँगा। ठीक है, तो ये इसमें पुट कर दो वन माइनस टू वन माइनस थ्री प्लस, मैं पुट करके दिखा रहा हूँ, वन माइनस वन वन माइनस थ्री प्लस सी वन माइनस वन और वन माइनस टू। अरे सही है क्या, तो देखिए ये टर्म तो जीरो हो गया, ये टर्म भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, तो a इंटू माइनस वन और माइनस टू, सही है क्या। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2a, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो दो और एक तीन, यानी कि 3 बराबर 2a आ गया, यानी कि 3 बराबर 2a आ गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 बाई टू, ए का वैल्यू निकल गया। तो मैं देखो एक बार 1 पुट किया तो जहाँ भी x माइनस वन था वो जीरो हो गया, अगले बार मैं x माइनस टू पुट करूंगा तो जिसके साथ x माइनस टू जुड़ा होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो मैं इस बार नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू टू, जब x इक्वल टू टू पुट करेंगे तो उसमें तो रखना ही है, तो टू इंटू टू प्लस वन इसमें रख दिया मैंने, उसके बाद ये जीरो और ये जीरो, बचेगा सिर्फ ये, तो इक्वल टू बी टू माइनस वन, ठीक है, टू माइनस वन और फिर टू माइनस थ्री। अरे सही है, टू इंटू टू प्लस वन इक्वल टू बी टू माइनस वन और टू माइनस थ्री। उसके बाद क्या करना है, तो दो दूना चार और एक पाँच, बी दो में से एक गया तो कितना बचेगा वन, और दो में से तीन गया तो माइनस वन, यानी कि माइनस बी इक्वल टू पाँच, तो b इक्वल टू कितना, b इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है,
बी निकल गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, पुट एक्स इक्वल टू थ्री, अब जिसके साथ थ्री जुड़ा होगा वो जीरो, बी भी जीरो, ए भी जीरो, बचेगा ये, रख दीजिए, तो टू इंटू थ्री प्लस वन इक्वल टू सी, थ्री माइनस वन और थ्री माइनस टू। अरे ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, तीन दुना छ प्लस एक यानी कि सिक्स, तीन में से एक गया तो कितना, तीन में से एक गया तो कितना, तीन में से एक गया तो आपका दो, और तीन में से दो गया तो कितना, एक। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, छ और एक सात इक्वल टू टू सी, तो सी इक्वल टू सेवन बाई टू। ठीक है, तो आपको ए का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया और आपको सी का वैल्यू मिल गया। जब ये तीनों वैल्यू आपको मिल गया तो अब क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, सॉरी यहाँ पे रख देना है, और उसके बाद सॉल्व करने लगा है इसके इंटीग्रेशन को। तो चलिए आपको हम रख के दिखाते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके यार पीछे का नोट कर लेना अगर वो मिट जाए तो, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस हमको चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए बी सी की वैल्यू को कहाँ रखना है, तो यहाँ रखना है, यहाँ रखने के बाद सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो अब ए बी सी की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन ए का वैल्यू रखिए 3 बाई टू अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी का वैल्यू रखिए, बी का वैल्यू रखिए इसमें, बी का वैल्यू कितना आया माइनस फाइव, तो माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी का वैल्यू कितना आया 7 बाई टू, तो 7 बाई टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ठीक है क्या, अब हम रख दिए इसको, अब सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे यार ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम 3 बाई टू बाहर निकाल लेंगे x माइनस वन डी एक्स, फिर इसको माइनस फाइव बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस टू। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन 7 बाई टू बाहर निकाल लेंगे तो ये 1 अपॉन x माइनस थ्री हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ आपको लगता है कि सर इंटीग्रेशन का पूरा लेक्चर देना है आप मुझे कर दो, तो मैं वो करवा दूंगा, बट कमेंट्स में चाहिए मुझे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर आपको लगता है कि हाँ सर आपको इंटीग्रेशन का पूरा लेक्चर मुझे दीजिए तो मैं दे दूंगा यार। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आगे। तो क्या करना है, ये तो 3 बाई टू लॉग एक्स माइनस टू वन हो जाएगा, माइनस फाइव लॉग एक्स माइनस टू हो जाएगा, प्लस 7 बाई टू लॉग एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, सिंपल है। अब चलिए हम बात करते हैं टाइप थ्री की, किसकी बात करेंगे, टाइप थ्री की। हमने दो टाइप की बात किया, एक तो पहला क्या था, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर, दूसरा कि अगर दो दो से ज़्यादा का फैक्टर होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने तीन फैक्टर लिया था, चार फैक्टर लोगे तो आप क्या करोगे, ए बी सी और डी मानोगे, पाँच लोगे तो उससे भी ज़्यादा मानोगे। ठीक है, और उन सारे का वैल्यू निकालोगे कैसे, तो एक तो कंपेयर करके और दूसरा उस पॉइंट के वैल्यू को रख के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यार टाइप थ्री, किसकी बात करते हैं, टाइप थ्री की, लीनियर रिपीटिंग फैक्टर, राइट, किसकी बात कर रहे हैं हम, लीनियर रिपीटिंग फैक्टर। कैसा होगा सर क्वेश्चन, ये तो आप बताइए हमको। तो देखो बाबू, क्वेश्चन बड़ा सिंपल होगा कि पी एक्स स्क्वायर या पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, इसकी डिग्री कितनी, दो, इसकी डिग्री कितनी, वन, पार्शियल है ना, सॉरी प्रॉपर है ना, है। तो क्या करना है सर इसमें, तो कुछ नहीं करना है इसमें, बड़ा सिंपल काम है, पी एक्स अपॉन क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को आपको क्या मानना है, एक तो मानना है ए अपॉन इसका जो एक फैक्टर है एक्स प्लस वन ए प्लस, दूसरा है बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर मानना है और सॉल्व कर लेना है, यहाँ से भी ए और बी का वैल्यू निकाल लेना। क्वेश्चन देखो कैसा होगा, क्वेश्चन है जैसे कि एक्स अपॉन या फिर टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, क्वेश्चन ऐसा है और इसको इंटीग्रेट, देखो ये रिपीटिंग है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा ए अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखोगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप कि यहां से, उसके बाद क्या करोगे कि आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, यानी कि टू एक्स प्लस वन अपॉन
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा, ए अगर आप एलसीएम लेते हो, इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, गलती कर लोगे यहाँ पे, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, एलसीएम लोगे तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जब कटेगा तो क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 2x प्लस वन बराबर कितना आ जाएगा x माइनस वन प्लस बी। आप या तो इसको कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि देखो अब तो बड़ा सिंपल काम है, यानी कि ये 2x प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा ax माइनस ए प्लस बी, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ कितना a, तो a का वैल्यू 2, दूसरा कांस्टेंट ये है ये तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1, a का जगह पे रख दो ये वाला वैल्यू, यानी कि माइनस टू प्लस बी इक्वल टू 1, तो b बराबर 3। अब इस a और b के वैल्यू को, इस a और b के वैल्यू को कहाँ रख देंगे, उठा के इसमें रख देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b कितना हो जाएगा 3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लोगे तो 2 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 3 बाहर, तो ये 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। सर इसका तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका नहीं जानते, अरे तो इसका तो सिंपल यार, t मान के सब्स्टिट्यूशन में तो पढ़े ही होंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं मैं करके दिखा देता हूँ। तो इसको 2 हम बाहर कर लेंगे तो ये 1 अपॉन x माइनस 1 dx हो जाएगा, प्लस 3 बाहर तो ये 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। ये तो सिंपल कितना हो जाएगा 2 log x माइनस 1 प्लस 3। इसको क्या करेंगे तो मैं इधर अलग करके, इसको अलग करके इंटीग्रेट दिखा रहा हूँ, तो ये 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx है। तो आप क्या करोगे, लेट क्या करोगे कि x माइनस t इक्वल टू x माइनस 2, तो dt बाई dx कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, तो देखो dt बराबर क्या हो जाएगा 1 dx हो जाएगा, तो 1 dx बराबर हम लिख सकते हैं dt अपॉन, इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे 1 अपॉन t स्क्वायर का, तो वो चला जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 dt। अब देखो x का पावर n के फॉर्म में है तो इसको इंटीग्रेट करना तो आसान हो जाएगा, t का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कितना हो जाएगा t का पावर माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 1 कितना माइनस 1 प्लस c, यानी कि माइनस 1 बाई t प्लस c, ठीक है। और 1 बाई t का वैल्यू कितना, t किसको माने थे x माइनस 2, तो माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन वो आया, यानी कि माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c आ गया, यही इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको भी कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 4 की, किसकी बात करते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 में हम बात करते हैं लीनियर रिपीटिंग एंड लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर, ठीक है। टाइप 4 में क्या है, लीनियर रिपीटिंग एंड लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर। देखिए इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, तो जैसे लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी डी एक्स। एक तो ये रिपीटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है और ये क्या है नॉन रिपीटिंग है। तो अब इसके इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो यार बड़ा सिंपल सा काम है, कैसे करेंगे तो आप क्या करना कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी लिख। इस जो रिपीटिंग वाला है, अभी मैंने बताया रिपीटिंग वाले में क्या किए, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए बना लेना प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बना लेना रिपीटिंग वाले में, और ये फिर अलग से इसको क्या मान लेना c अपॉन x माइनस बी। सर क्वाड्रेटिक रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसका हम अलग करते हैं, अभी नेक्स्ट टाइप जो है उसमें करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन कैसा होगा सर, एक क्वेश्चन करके तो बताइए जरा। देखो भाई वो क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन होगा कि जैसे आपको लिखा हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 dx,
ठीक है। देखो रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है, तो सिंपल क्या काम करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। अरे सही है क्या? ठीक है, तो फिर क्या करेंगे उसके बाद कि आप ना 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू आप क्या करें कि एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर और x प्लस वन, तो यहाँ से क्या आएगा तो a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस यहाँ से क्या आएगा तो b इंटू एक्स प्लस टू प्लस यहाँ से क्या आएगा c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, अरे है ना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा भाई 2x प्लस वन इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे a, b और c का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक तरीका मैंने जो बताया था कि इसके फैक्टर को रखने के बाद वैल्यू आ जाएगा, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे क्या वैल्यू, एक बार तो वन डालोगे एक बार माइनस टू डालोगे, ठीक है, तो वैल्यू आपका a और b का, a और b का आ जाएगा, फिर a और b का वैल्यू रख दोगे तो c का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप नहीं चाहते हो तो ऐसे कंपेयर से भी कर सकते हो, तो a इंटू इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, तो कितना हो जाएगा प्लस टू एक्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस टू प्लस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस टू बी, ये हो जाएगा c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो सिंपल इसको लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टू ए प्लस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस टू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी, ठीक है क्या, मैं इधर मिटा रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है, ये लिखा हुआ है, अब कंपेयर कर दीजिए एक साथ करके, यानी कि आप कर लीजिए टू एक्स प्लस वन इक्वल टू कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए मैं एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, यानी कि जब आप बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा a प्लस सी। दूसरी बात, मैं x वाले को एक साथ कर रहा हूँ ax, bx और माइनस टू सी एक्स, यानी कि अगर आप प्लस x बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा a प्लस बी और माइनस टू, यानी a प्लस बी माइनस टू सी। यार ये सब कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा अगर मिस्टेक होगा तो। दूसरी माइनस टू ए प्लस टू बी और प्लस सी, माइनस टू ए प्लस टू बी और प्लस सी, ठीक है वो हो गया। उसके बाद आप कंपेयर कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये वाला कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि a प्लस सी कितना जीरो। यहाँ पे देखिए a प्लस बी माइनस टू सी है ना, तो a प्लस बी माइनस टू सी x का कोएफिशिएंट ये, और लेफ्ट साइड में कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो इसका क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस टू सी इक्वल टू कितना टू, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट इधर वन है और उधर कितना है ए माइनस टू ए प्लस टू बी और प्लस सी का वैल्यू कितना वन। देखो भाई तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, इन तीन ए बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिए, इस ए बी और सी का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, इसको कैसे टी मान के मैंने बताया था कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिएगा। तो आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए क्या ए बी एंड सी, तो जब आप तीनों वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद आप इसको रख देंगे, लास्ट टाइप है, और इसके बाद आपके सारे जो भी पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है बहुत इजीली लगेंगे। और आपको अगर लगता है कि नहीं सर पार्शियल के और भी क्वेश्चन करवाना है आप और भी करवाइए, तो मैं आपके लिए और भी लेकर के आऊँगा। तो टाइप फाइव के बारे में समझते हैं, ठीक है। टाइप फाइव क्या है भाई, तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्मेट में अगर आपको दिया रहे क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या करना है, क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करता हूँ कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या करना है, लीनियर वाले के ऊपर में कांस्टेंट मानना है, ठीक है, लीनियर वाले के ऊपर में कांस्टेंट और ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर मानना है, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या बोले सर आप, जरा एक बार फिर से बताइए। मैंने बोला बाबू कि जो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। लीनियर वाले के ऊपर में क्या मानना है, कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक वाले के ऊपर में क्या मानना है, लीनियर। सर क्यूबिक रहेगा तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जैसे सपोज एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स है, ठीक है। ये आप देखिए ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले क्या चेक करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले पार्शियल चेक करना है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन चेक करना है, वो तो है, इसका डिग्री वन है इसका तीन है। सबसे पहले पार्शियल में प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद क्यू एक्स लीनियर है कि लीनियर फैक्टर है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो देख लेना है, और तीसरी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ ना। तो क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको लिख लेना है ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम क्या होता है, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इससे कट जाएगा तो ए इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कट जाएगा इससे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, कितना बी एक्स स्क्वायर माइनस बी बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस सी। एक साथ कर लीजिए एक्स स्क्वायर वाले को, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी सॉरी प्लस सी एक्स, सी एक्स सिर्फ एक ही है तो ये सी एक्स हो जाएगा और प्लस ए माइनस सी। अब कंपेयर कर लीजिए इसका इससे x से, क्योंकि इन इसका डिनोमिनेटर ये तो पहले ही निपट गया, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये x के बराबर हो जाएगा और ये भी x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है समझिएगा कि इसके बाद आपको क्या है, कंपेयर करके निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है क्या यहाँ, नहीं है, तो कितना रहा होगा, जीरो। तो यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, a प्लस बी इक्वल टू जीरो। सी एक्स का कॉफिशियंट यानी कि यहाँ पे सी का कॉफिशियंट, एक्स का कॉफिशियंट कितना है, सी है, और यहाँ पे एक्स का कॉफिशियंट कितना है, वन है, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। दूसरी बात, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट टर्म है क्या राइट लेफ्ट साइड में, नहीं है, तो क्या हो जाएगा a माइनस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे क्लियर है ना। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए ये तो वन हो गया, तो a माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो a का वैल्यू कितना, वन। c का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, इसको रख दो इसमें, तो a इक्वल टू माइनस बी तो माइनस वन, बी इक्वल टू माइनस ए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। तो हमारा जो है a और b और c का वैल्यू निकल गया। अब इन तीनों वैल्यू को आप क्या करें कि यहाँ पे रख दें इसके जगह पे, कहाँ पे रख दें, इसके जगह पे रख दें, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अब इंटीग्रेशन कर लें, a के जगह पे क्या रखना है, वन, यानी कि वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि b के जगह पे कितना रखोगे, माइनस वन, तो माइनस वन इंटू एक्स प्लस सी के जगह पे कितना रखोगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब देखो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इस तरह के क्वेश्चन हमने बताया। इसको लॉग लेके, लॉग कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन, लेकिन इसका कितना होगा, तो ये तो है ही नहीं, ये तो टू एक्स प्लस वन है तो नहीं है, तो इसको आप क्या करो अलग अलग कर दो, इसको क्या करो प्लस एक तो कर लो इसको वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, फिर माइनस इसको कर लो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, अरे किसका इंटीग्रेशन होता है, टैन इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये प्लस एक एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन देखो ऊपर में मौजूद है, टू इधर भी लगा दो और टू इधर भी लगा दो, ठीक है, वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई लॉग एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस नहीं माइनस माइनस हाफ। अब बताओ अगर इसको आप टी मानोगे और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है तो क्या हो जाता है लॉग टी, तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ये दोनों तो यार सब्स्टिट्यूशन का है तो इसको आप देख लेना, ठीक है। तो हमारा जो है मैंने पांच टाइप आपको बताया और पांच टाइप में ही इससे फालतू और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आप इसके एप्लीकेशंस को कीजिए, बहुत इजी वे में लग जाएगा, जो भी मैंने आपको तरीका सिखाया है बहुत ही आसान तरीका सिखाया है, एक बार जाके ट्राई कीजिए और सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। दूसरी बात बच्चों, अगर आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट लाइक शेयर ही हमको मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो बच्चों ध्यान से इस चीज़ को पढ़ें, और आपको लगता है कि सर और भी वीडियोस बनाना है तो मैं आपके लिए लेकर आके आऊँगा, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।